हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लिए आया हूँ एक और नई कस्टम रोम। ये हमारी MIUI 11 बेस्ड कस्टम रोम है। ये हमारी सेटिंग में आपको स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। अरवाना सॉफ्ट रोम है हमारी, ये आप देख सकते हो। यहाँ से आपको मिल जाएगा अरवाना सॉफ्ट MIUI फैंस। ये आप देख सकते हो PZL टीम प्रो आपको मिल जाएगा Redmi 5 के लिए। बस ये दूसरी डिवाइस के लिए नहीं है, बस Redmi 5 के लिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पर Redmi 5 लिखा है यहाँ पर अरवाना सॉफ्ट। यहाँ पे पोर्ट रोजी एंड्रॉयड वर्जन आपको इसके अंदर लाइन मिलेगा। इसमें आपको MIUI 11 में आपको Android 9 मिल रहा है देखने के लिए। 11 MIUI 11.0 ग्लोबल वर्जन है। आप 11.0.3.0 पर वर्क करती है जैसे कि आप देख सकते हो। इसे चलिए इसे फीचर से बात करते हैं, बग्स की बात करते हैं, क्या क्या आपको बग्स मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम वाईफाई की बात करें। यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, बिल्कुल ओके है वाईफाई। यहाँ ब्लूटूथ बिल्कुल ओके है, यहाँ पे वर्किंग। यहाँ पे आपका जियो बिल्कुल ओके वर्किंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हॉटस्पॉट यहाँ पे बिल्कुल ओके वर्क है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो हॉटस्पॉट बिल्कुल एक्टिव है। यहाँ पे जियो भी बिल्कुल ओके वर्किंग है, वोल्ट भी बिल्कुल ओके वर्किंग है। यहाँ से मैं वाईफाई ऑन कर दिया वापस मैंने। यहाँ से अरवाना सॉफ्ट आपको फीचर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। डिस्प्ले सिस्टम, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, यहाँ से आपको CRT, ये आपको ये एनिमेशन। इसमें आपको लॉक साउंड अलग मिलती है बिल्कुल। ये CRT डिक्रीज ड्यूरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, वेरी फास्ट यूजुअली। ये आप देख सकते हो अब वर्क करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी, यूजुअली फास्ट। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ओके वर्किंग है। ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा आपको स्टेटस बार में, वेरी हाई। ये आप डाउन करोगे ब्लर इफेक्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लो भी कर सकते हो आप। ये आप देख सकते हो लो हो गया, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, वेरी लो भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप हाइड डिस्प्ले, स्टेटस बार हाइड हो जाएगा आपको यहाँ पे। नेविगेशन बार भी हो जाएंगे, दोनों भी हो जाएंगे आप देख सकते हो। बार डिस्प्ले टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो। शो एनिमेशन सिस्टम एनिमेशन अगर आपको इन्हें डिसेबल करें तो आप कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट व्यू स्केल मिल जाएंगे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपको स्केल वाले मिल रहे हैं जो आप लिस्ट व्यू करोगे। और फोल्ड वाले मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो फोल्ड वाले एनिमेशन हो गया भैया, ये आप देख सकते हो। आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। इसमें लिस्ट वाले भी मिल जाएंगे आपको, PIP साइज मिल जाएगा, पिक्चर इन पिक्चर विजन आपको सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जूम मिल जाएगा आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको जूम करना, मैग्नीफिकेशन सॉरी। यहाँ से आप ट्रिपल जूम है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो जूम बिल्कुल ओके वर्किंग है। सारे इसके फीचर वर्क करते हैं, कोई ऐसी कोई इसमें बग नहीं है जो वर्क ना करता हो। एक आधा होगा जो भी होगा, बाकी बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर ही पता चलेगा उसका। पल्स सेटिंग, यहाँ पे पल्स सेटिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक कलर मिलता है इसके अंदर, नोटिफिकेशन लाइट, बाकी चार्जिंग का नोटिफिकेशन लाइट वर्क नहीं कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी, ये आप देख सकते हो मैं प्लग इन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट नहीं चल रही कोई भी है, नोटिफिकेशन नहीं चल रही यहाँ पे चार्जिंग पे। यहाँ पे गेस्टर्स एनीवेयर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, आप देख सकते हो अपने हिसाब से सेट कर सकती। यूज़ न्यू MIUI फोन मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो चेंज हो चुका है हमारे फोन। यहाँ पे लॉक स्क्रीन फॉर्मेट मिल जाएगा आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्यू वाला भी मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। लॉक स्क्रीन ये हमने सेट कर लिया है, चेक कर लेते हैं हम। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ओके वर्किंग है यहाँ पे। बाकी इसमें लॉक स्क्रीन की आवाज़ सुन सकते हो आप, मैंने लॉक कर दिया और अनलॉक करूँगा अब। ये आप देख सकते हो सुन सकते हो यहाँ पे, और टाइप ऑफ फॉन्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं यहाँ पे आपको। क्लॉक साइज भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए। स्टेटस बार नोटिफिकेशन चलते हैं, यहाँ पे आपको क्लॉक साइज यहाँ पे आप देख सकते हो 2D, यहाँ पे आपको छोटा हो जाएगा मतलब स्मॉल होता जाएगा यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट आपको रहने देना है यहाँ पे, आपको जैसे भी आपको सेट करना आप सेट कर सकते हो। नेटवर्क स्पीड का आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइज़, बैटरी परसेंटेज का भी साइज़ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। वेदर इन्फो मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो वेदर इन्फो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको वेदर इन्फो मिल रहा है, आपको सिटी का नाम आ जाएगा। क्लॉक फॉर्मेट सेटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए, आपको कैसे चाहिए क्लॉक फॉर्मेट सेटिंग। स्टेटस बार मॉडल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट बैटरी ये आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट क्लॉक ये आप देख सकते हो हमारी क्लॉक राइट पे आ चुके हैं यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट iOS स्टाइल आपको मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, बाकी थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग जाता है तो उस वजह से। ये आप देख सकते हो iOS वाला स्टाइल मिल गया आपको देखने के लिए इसमें। यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कौन से कितने कॉलम चाहिए। यहाँ पे आपको 4 वाले मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप इंक्रीज भी कर सकते हो साइज़। यहाँ पे आपको 5 वाले मिल जाएंगे आप देख सकते हो सिंगल वाले में, तो आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल आपको एंड्रॉयड MIUI वाला मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। आइकन आपको एंड्रॉयड MIUI वाले मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन जब आएगी आइकन उसके
नेटवर्क आइकन मिल जाएगा आपको, टू लाइंस मिल जाएगी, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। न्यू नेटवर्क टाइप स्टाइल मिल जाएगा आपको, रिस्टार्ट की जरूरत पड़ेगी इसमें। डुअल नेट टाइप नेट बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए। एच और नॉट, 3G, 3G नॉट, H++ आप देख सकते हो यहाँ पे, आप अपने हिसाब से। आप फुल स्क्रीन गेस्चर्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए, देख सकते हो बिल्कुल ओके वर्किंग है। फुल स्क्रीन गेस्चर्स भी हमारे यहाँ पे। चेंज स्टेटस बार आइकन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, चेंज द स्टेटस बार आइकन, यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हो। डायल पैड, बूट एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, बाकी डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। यहाँ होम स्क्रीन सेटिंग में चलते हैं। शो आइकन रिफ्लेक्शन मिल जाएगा आपको, शो शेडो आइकन मिल जाएगा आपको अंदर देखने के लिए। आइकन स्टाइल आप डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन आप कर सकते हो। ब्लर एड फोल्डर मिल जाएगा यहाँ पे। हाइट सिस्टम ऐप्स मिल जाएंगे आपको, उनसे उनसे हाइड करने आपको आपको ऐप से। यहाँ पे डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ, टर्न ऑफ द स्क्रीन हो जाएगा यहाँ से, डबल टैप ऑन द होम स्क्रीन। वाइब्रेट मैन चार्जिंग हो जाएगी यहाँ से। इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, परसेंटेज ओनली, टॉप बार ओनली, ये आप देख सकते हो। लो बैटरी वार्निंग मिल जाएगी आपको। साउंड एंड मैसेज एंड साउंड मिल जाएगा, ये आप ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। और स्मार्ट मोबाइल में चलते हैं यहाँ पे। स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क आपको मिल जाएगा इधर। नेटवर्क टाइप ऑन कॉल, डू नॉट चेंज, टर्न ऑफ वाईफाई व्हेन यू कॉल, आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। जगह पावर मेन्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फास्ट बूट अगर आपको इनेबल करना है यहाँ से, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कस्टमाइज मिलेगा इसमें आपको, अलग अलग आइकन मिलेंगे। रीबूट पे आप क्लिक करोगे यहाँ से फास्ट बूट में भी जा सकते हो, रिकवरी में भी जा सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। सिक्योरिटी सेटिंग में चलते हैं आप। इनेबल एड ब्लॉक मिल जाएगा आपको सुंदर देखने के लिए, आप एड ब्लॉक कर सकते हो इसमें कोई भी ऐड आ रही होगी तो। यहाँ से टेस्टिंग आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी रोम है ये वैसे। पबजी टेस्ट भी कर लेंगे इसका, आपको कितना परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें, कितने लैग मिलेगा इसमें देखने के लिए। हॉटस्पॉट हमारे बता दिया था बिल्कुल ओके वर्किंग है, ब्लूटूथ सब कुछ ओके वर्किंग है। लॉक स्क्रीन में चलते हैं यहाँ पे। लॉक स्क्रीन फॉर्मेट मिल जाएगा आपको यहाँ पे, लॉक स्क्रीन इन्फो मिल जाएगा यहाँ पे। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट मैंने बता दिया था आपको। पॉकेट मोड बिल्कुल ओके वर्किंग है, सारे गेस्टर्स वर्क कर रहे हैं इसमें। यहाँ से हम फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं कितना फास्ट हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पे। बाकी रोम तो काफ़ी फास्ट है, कोई लैग नहीं है इसमें भी देखने के लिए। बाकी एन टू टू बेंच मार्क टेस्ट हमारा हो नहीं पाया इसमें, वहाँ ऑफ हो रही थी स्क्रीन, मतलब GPU हमारा वापस आ जाता था, मतलब होम स्क्रीन पे आ जाता था जब टेस्ट होता था। यहाँ पर थोड़े एनिमेशन लगा रखे हैं तो इस वजह से थोड़ी सी फिंगरप्रिंट लेट हो सकता है, या देख तो थोड़ा सा लेट है फिंगरप्रिंट, क्योंकि हमने एनिमेशन लगा रखे हैं। वैसे तो काफ़ी फास्ट है ये, फास्ट काफ़ी है, बाकी थोड़ा लेट हो रहा है। यहाँ पे एनिमेशन लगा रखे हैं जो हमने वो स्लो भी कर रखा था ना वो, तो उसका भी ध्यान रखना। फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, फेस अनलॉक ऐसा चलता है हमारा यहाँ पे, ये चलता है नहीं चलता। यहाँ पे हमारा फेस अनलॉक नहीं बकर रहा, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार। मैं काफ़ी देर तक छोड़ दिया था हमारा, तब भी लोडिंग लोडिंग कैमरा आ रहा था बस इसमें। ये आप देख सकते हो फेस अनलॉक नहीं चल रहा हमारा यहाँ पे, कोई नोट फेस अनलॉक आ गया यहाँ पे। डिस्प्ले में चलते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले में डार्क मोड मिल जाएगा आपको देखने के लिए इसके अंदर, बिल्कुल ओके वर्किंग है डार्क मोड, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा ब्राइटनेस लेवल भी बिल्कुल ओके वर्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल 100% वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। डार्क मोड ऑफ कर देता हूँ अभी। साउंड एंड वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं कितनी साउंड है हमारी। साउंड हमारी काफ़ी लाउड है, इसके देखने के लिए मिलेगी आपको, सुनने के लिए काफ़ी लाउड मिलेगी यहाँ पे साउंड। वाइब्रेशन बिल्कुल ओके वर्किंग है, सब कुछ ओके वर्किंग है इसमें। एडिशनल सेटिंग में आपको टैप साउंड मिल जाएगा देखने के लिए, या जिससे फोकस मोड भी मिल जाएगा आपको सुंदर देखने के लिए। पुट योर फोन अवे, फोकस ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट, टैप टू ड्राइव 1 मिनट, ये आपको फोकस मोड मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, बहुत मदद करेगा ये आपकी। बाकी ट्राई कर सकते हो, बाकी आप देख सकते हो सब कुछ ओके वर्किंग है। हमारा गूगल अकाउंट बिल्कुल ओके वर्किंग है, मैंने साइन इन कर रखा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको फिक्स फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बस आपको MIUI का, वैसे मैंने फ्लैश करके देखा था वो, पर वो वर्क नहीं कर रहा था, बस आपको एक फ्लैश करना पड़ेगा इसमें। MIUI इसका ही रोम का है वो फिक्स, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ही फ्लैश करना वो फिक्स, ऐसे नहीं। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पे आपको कोई इसमें पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलेगा देखने के लिए। और फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल ओके वर्किंग है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल ओके वर्किंग है। यहाँ पे फोटो खींचे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में ब्लर मिल चुका है, यहाँ पे शेडो मिल चुकी है आपको, यहाँ सेटिंग में सारे फीचर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पबजी टेस्ट कर रहे हैं अपने वही वाली रोम में, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पबजी स्टार्ट कर दी, यहाँ पे सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफिक्स बैलेंस्ड और मीडियम पे रख रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए टेस्ट कर लेते हैं पबजी। हाँ, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए वॉल्यूम बटन दबाया तो अब तक हैंग हुई थी हमारी रोम, ये आप देख सकते हो गेम हमारी हैंग हुई हुई। हाँ, बंदा मार जाएगा मैं अब तो। अगर आप ये गेमिंग के लिए इंस्टॉल कर रहे हो तो शुरू में इसने बता दिया कि गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है ये रोम। चलिए यहाँ पे अब तक देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी स्क्रीन अब ठीक होगी यहाँ पे, ये आप देख सकते हो ऑफ हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसे रोम को चलाने में,
गेम हमारी पबजी चलाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। अगर आपको गेमिंग नहीं करनी, सिंपल आप कॉल करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कुछ करते हो, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके लिए बहुत बेस्ट रोम है, गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है ये। चलिए अब इसकी फ्लैशिंग भी चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे रिकवरी मोड में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अपना बैकअप कर लीजिए डाटा, या आपको 5 आइटम सेलेक्ट करनी है, सिस्टम डाटा वेंडर रिकवरी बूट आपको सेलेक्ट करना है, स्टोरेज सेलेक्ट करनी है, इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के आपको USB में करना है, हमारी इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट होगी। अगर आप इंटरनल स्टोरेज में करना चाहते हो फिर आपको PC में ट्रांसफर करना पड़ेगा अपना बैकअप। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको स्वाइप टू बैकअप कर देना है, यहाँ से आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। इन्हें बैकअप कंप्लीट होने के बाद आपको वापस होम पेज में आना है, यहाँ से आपको वाइप पे क्लिक करना है, वाइप पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट करना है यहाँ से डाटा, यहाँ से आपकी इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है हमारी इंटरनल स्टोरेज अभी। यहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से बैक जाना है, फिर से बैक एडवांस वाइप पे जाना है आपको। ऐसे आपको डॉल्बी सिस्टम डाटा कैच और वेंडर आपको सेलेक्ट करना है, ये 5 आइटम्स, डॉल्बी सिस्टम डाटा कैच वेंडर इंटरनल स्टोरेज और माइक्रोलॉजी और USB आपको सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ से आपको स्वाइप टू वाइप कर देना है, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है वाइप, जो हमारी पिछली रोम थी वो सर डिलीट हो चुकी है अपने डिवाइस में से, हमारा भी वो क्लीन है, कोई रोम इंस्टॉल नहीं है। अब आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अब आपको स्टोरेज सेलेक्ट करनी है, या फिर आपकी फाइल यहाँ से आपने ट्रांसफर करी है अपनी फाइल, या फिर आपने ट्रांसफर कर रखी है अपनी फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ पीछे से, इंटरनल स्टोरेज में आप ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर लिया फाइल, इसे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ से आप देखते हो आपको 3 फाइल्स मिलेगी, इसमें से मैं आपका भी आपको बताता हूँ। पहले आपको ये MIUI ID version 3 आप देख सकते हैं, आपको रोम फ्लैश करनी है ली, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको फिर यहाँ से स्वाइप टू कन्फर्म कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जी फाइल हमारी जो है स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे इंस्टॉलिंग। इसमें आपको ओपन गैस फ्लैश करने की, फ्लेम गैस कुछ भी फ्लैश करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको पहले से इंस्टॉल मिलेगा। आप जैसे एंड्रॉइड 9 प्रोवाइड करती है, एंड्रॉइड पाई 2000 बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा इसमें। अब तक जो लेटेस्ट है इसमें पैच, वही आपको बिल्ड एंड डेट मिलेगी इसके अंदर, और पैच भी इसमें लेटेस्ट ही मिलेगा आपको जो अब तक रिलीज हो चुका है इस डिवाइस के लिए। और दूसरा जो है इसमें आपको पैच फिक्स करने पड़ेंगे, मतलब पैच फिक्स है एक, वो फिक्स फाइल से वो आपको फ्लैश करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो, अगर आपका दूसरा वर्जन है यहाँ पे वर्जन 3 वाला है, तो वर्जन 3 का पैच फ्लैश करना होगा आपको। ठीक है, वर्जन 2 और वर्जन 3 मैं आपको बताऊँगा अभी। और अगर आपको MIUI अगर आपको साइन नहीं हो पा रहा, उसमें पक्का एरर मिलेगा आपको। अगर आपको साइन नहीं हो रहा, स्किप नहीं हो पा रहा, तो आपको यहाँ पे फिर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, फिर आपको वहाँ से स्किप हो जाएगा डायरेक्टली, आपसे बार बार एरर नहीं मांगेगा, ट्राई अगेन नहीं मांगेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे रोम इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ प्लीज़ वेट 5-7 मिनट्स एंजॉय। आपको रिबूट करने के बाद आपको 5-7 मिनट रुकना पड़ेगा, अभी आपको रिबूट नहीं करना, चाहे तो रिबूट कर सकते हो, वैसे रिबूट के बाद भी इंस्टॉल कर सकते हो पैच, आप मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे MIUI फिक्स है, MIUI ID और नोवा सॉफ्ट आपको देख सकते हो वर्जन 2 एंड 3, हमारा वर्जन 3 पर है, तो आपको हमने ये फ्लैश करना होगा। ठीक है, अगर आपका वर्क नहीं कर रहा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको प्रोवाइड करवा दूँ ऊपर वाला भी, तो आप ट्राई कर सकते हो, वैसे 100% वर्क कर जाएगा ये। यहाँ से आपको स्वाइप टू कन्फर्म कर देना है, यहाँ से आप देख सकते हो फिक्स MIUI ID 4 रोजी सॉरी, यहाँ पर देखो फ्लैशिंग बोट इमेज, यहाँ से कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको फ्लैश होने में। यहाँ पर जैसे कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पर इंस्टॉलेशन फिक्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, इससे हमारा कोई फिक्स पैच होगा, पैच का फिक्स है यहाँ पे, हमारा MIUI अकाउंट का फिक्स नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है, यहाँ से डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले आपको MI का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, फिर आपको नोवा सॉफ्ट MIUI का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए। आपस में 2 बार भी रिबूट हो सकता है डिवाइस, वैसे उसका नोवा सॉफ्ट का कोई लोगो नहीं है, बस MI का लोगो मिलेगा, फिर एंड्रॉइड लिखा जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।